गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो मेरे सारे फ्रेंड बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज दूसरे ब्लॉग लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह मैं पानी देने निकली। पत्तों को देखिए, पानी पा पी के जैसे हमारे अंदर जैसे प्यास बुझता है, उन लोगों का भी ऐसे ही है। तो सुबह की चाय आप लोगों के साथ आज हाजिर हूँ। चाय के साथ देखिए आगे आगे आज क्या होता है। सोच रहा हूँ एक चीज़ बनाने का, अगर बनाऊँ तो आप लोगों से शेयर करूँगी। ऐसा बोल के सुबह सुबह मैंने कैमरा पकड़ी थी। तो पहले खाना वाना बना लेते। आज ना एकदम सिंपल करके, मसाला कम डाल के, अनियन ज़्यादा करके डाल के सुबह की खाना बना रही हूँ। लंच और ब्रेकफास्ट हमारे घर में सेम बनते हैं। सेम मतलब कि एक ही टाइम में बन जाता है, क्योंकि ऑफिस जाना है, ऑफिस लेके जाना है। तो इसमें मटन थोड़ा सा है, मैंने पहले कुकर में वो कर दिया था, बाद में सारे मसाला डाल के थोड़ा थोड़ा मसाला डाला और ऑनियन ज़्यादा डाल के उसको फ्राई जैसे कर लिया। और ये मेरी नाश्ता। और बीच बीच में आप लोगों को शोर आ रहा है क्योंकि हवा चल रहा है ना, दरवाज़ा के हुक कोई लगाता नहीं है उधर से स्टॉपर, तो साउंड हो रहा है, सॉरी। और ये मेरे नाश्ता, ड्राई दूध, पतले पतले फुलके, भिंडी और ये अनियन। तो कैसे लगा हमें मेरी शुरुआत, डे की शुरुआत? अगर अच्छे लगे तो मेरे प्लीज़ लाइक करके जाओ। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद करो। ओह शिट मैन। और यह आधा लीटर मिल्क मैंने फटा लिया, छाना निकाल लिया इसका वो किया, रसगुल्ला बनाना है। यही आप लोगों से शेयर करना था। मेरा काम, बहुत सारे काम हो गया घर की, जैसे रोज़ की काम होता है, साफ सफाई, कपड़ा, खाना बनाना हो गया। बस ये बना के रख रही हूँ क्योंकि इसको टाइम लगेगा ना वो होने होते, तो इसे ऐसे लटक के रख देती हूँ ताकि इसका जितना पानी है वो ड्रेन हो जाए। तब तक मैं देखिए, आजकल के बच्चे ना, हमारे ज़माने में फ्रूट्स ऐसे ही बास्केट में रहते थे, हम ले के खाते थे। आजकल बच्चों को काट के वो सुंदर करके स्पून के साथ अगर नहा दो तो घर में ऐसे ही छटते रहेंगे, मगर हाथ नहीं लगाएंगे। चलो ये फ्रूट्स भी दे दिया, फिर मैंने नहा धो के मेरा रोज़ की घर की काम ख़त्म भी हो गए। तो चलते हैं नहा धो के आ गई मैं ये रसगुल्ला बनाने, मिठाई बनाने। देखिए इतना अच्छा पनीर बना, इतना छाना निकल के आया कि इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। मुझे लग रहा है पता नहीं इसके साथ मैं क्या करूँगी, इतना मॉइस्चर है। ज़्यादा मैदा ऐड करूँ तो पता नहीं कैसे होगा, मैंने कभी मैदा ऐड करके बनाया नहीं रसगुल्ले, तो आज इसमें लग रहा है थोड़ा मैदा ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए इतना सॉफ्ट, तो मैं दो चम्मच मैदा ऐड किया था, फिर भी ज़्यादा सॉफ्ट रह गया था। मुझे लग रहा था और 2 चम्मच या 3 चम्मच ऐड करना चाहिए था तो और भी ज़्यादा फूल के उठता। मैंने जब बॉयज ओवर किया था तब आप लोगों को बोल रही, जब बॉयज ओवर कर रही थी तब तक तो भाई बना चुकी हूँ, तो इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। रेस्ट में तब तक मैं इसका सिरप बना लेती हूँ। सिरप में किया जितना पानी उतना चीनी डाल के उसको डिजल्व होने को देती हूँ। जैसे चाशनी बनता है ना, वो एक तार की चाशनी, ज़्यादा वो 2-3 तार वाला चाशनी नहीं चाहिए, हमें जस्ट सिरप चाहिए एक मीठा सा। तो ये बना रही हूँ। देखिए एकदम मैं कोई रेसिपी वो आप लोगों से शेयर भी नहीं, जस्ट मैं जैसे काम कर रही हूँ वैसे कैमरा पकड़ा और आप लोगों से शेयर कर किया। अगर ऐसी मेरी रैंडम डे, अगर मेरे रैंडम ब्लॉग और मेरा ये रैंडम कैमरा पकड़ना अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करके जाओ और अपना फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करो। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग सीख सकते हो मेरी वीडियो से, आई होप।
तो हाँ आजकल थोड़ा देर हो रहा है मेरे ब्लॉग बनाने में, पता नहीं कभी कभी डीमोटिवेट हो जाती, कभी कभी लगता है ना करूँ। तो इसमें मैंने शुगर डाला और पानी के साथ इसको बॉईल करने लग गई। जब तक बॉईल होएगी पूरा फुटकी उठेगी पानी, तब मैं दिखाती हूँ आगे की प्रोसेस। देखिए अभी भी लग रहा है ये सॉफ्ट रह गया, तो फिर भी मैं और मैदा मिक्स नहीं कर रही क्या, क्योंकि पता नहीं मैदा डालने से कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए। तो ऐसे हाथ में थोड़ा ऑयल लगा के या घी वो करके, ताकि वो चिपके ना हाथ में, ऐसे करके जितना बॉल हो सके मैं बना रही हूँ। बाजार से थोड़ा छोटी छोटी बना रही हूँ, पता नहीं फूल के तो डबल हो जाता है, फिर भी लग रहा है थोड़ा छोटा ही है। तो अब तो भी घर में अगर ऐसे अच्छे अच्छे से मिल्क मिले ना, वो एक बार ट्राई करके देखना, बहुत चीप में हो जाता है। देखिए बाज़ार में एक मिष्टी रसगुल्ले की प्राइस 10 रुपया या 15 रुपया से आसपास होते हैं, ये सिंपल सा मिठाई के बारे में बोल रही हूँ, बाकी तो बहुत प्राइस है। ये छोटा छोटा जो मिठाई होता है के प्राइस ऐसा होता है, तो गौर में मनाओ तो कितने चीप में हो जाता है। कभी कभी खाने की भी मन करता है, और एक एक्सपीरियंस भी है आप लोगों से शेयर किया। एक हाथ से बनाओ वो ही एक हाथ से कैमरा सेट करो, काफ़ी दिक्कत हो जाता है। तो अगर कोई पार्ट आप लोग अच्छा ना लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ऐसे करो आप लोग, हम मुझे वो दे सकते हो, बोल सकते हो क्या कैसे करूँ। और ये देखिए धीरे धीरे जब फूट रहे पानी पूरा फूट गए, तो एक एक करके धीरे धीरे एक एक करके डालना, ताकि इसका टेम्परेचर क्या बोलो मेंटेन रहे। एक साथ डालोगे तो एक दूसरे के साथ शेप चेंज हो जाएगा, और टेम्परेचर गपक के नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसका जो पानी का जो टेम्परेचर है ना, उसके साथ वो लड्डू वो मिल के रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में फुल आँच में 7 मिनट पकने दिया, देखिए एंड में ये ऐसा डबल हो गए ना, मैंने बोला था, मुझे लगा था और डबल होगा, क्योंकि और एक बार बनाया था तो और फुल के उठे। ये आज ज़्यादा मॉइस्चर वाला है छने, तो खाने में इतना टेस्टी हुआ था। तो फिर उसको ठंडा होने दिया, ये हो गया मेरा और 5 मिनट मीडियम आँच में। तो अब मैं बंद कर रही हूँ, और ठंडा होने के बाद डिश आउट करूँगी। और आप लोगों से कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग, ये मिठाई बनाना रसगुल्ला बनाना बोलना ज़रूर। और मैं ले रही हूँ विदाई, आप लोग को तो खिला नहीं सकती, बस दिखा सकती हूँ ताकि आप लोग भी घर में बना सको। एंड ले रही विदाई आप लोग से, तब तक ले लिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।